और भाई अपडेट का बात ही है यार। तो यार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको MIUI 13 की अपडेट्स नहीं मिल रही हैं तो यार आप मेरे को कमेंट करना छोड़ दीजिए। आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद है मेरे को मालूम है, मेरी वीडियोस होती ही इतनी अच्छी हैं कि आप रह नहीं सकते बिना मेरी वीडियोस के। अबे तेरी वीडियोस हमें पसंद है, हम रह नहीं सकते इसके बगैर। दिन में सपने देखना छोड़ दे। तो यार मेरा नाम है रोहित। कल यार आपने कमाल कर दिया, 1000 से भी ज्यादा आपने हमारी वीडियोस को लाइक्स दिए, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आज की जो एक्टिंग ओवर एक्टिंग जो भी था कैसा लगा, कुछ नया ट्राई किया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू अपडेट्स आने वाली हैं जिनकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं यहां पर पोको X2 की। तो पोको X2 की अपडेट जो है वो इंडिया में अभी तक रिलीज नहीं हुई है, चाइना में ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। इंडिया में आपको अपडेट मिलेगी MIUI 13.0.3.0, यहाँ पर आप देख सकते हैं SGHINXM। तो ये जो है अपडेट रेडी है, किसी भी दिन रोल आउट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि इसी मंथ के एंड तक आपको इंडिया में पब्लिक में पोको X2 में MIUI 13 की अपडेट मिलेगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। यार अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max की। तो ग्लोबल एंड यूरोप में एक नई अपडेट देखी गई है, MIUI 13.7.0 एंड MIUI 13.0.9.0। तो ये 946 MB की अपडेट है ग्लोबल की। जब ग्लोबल में अपडेट आ जाती है तो इंडिया में भी थोड़े दिन के बाद देखने को मिलती है, तो बहुत ही जल्द आपको अप्रैल के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ एक नई अपडेट देखने को मिल सकती है इंडिया में, क्योंकि Redmi Note 10 Pro Max में काफी सारे बग्स चल रहे हैं, उन्हें फिक्स करने के लिए एक अपडेट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10S की। तो बहुत देर हो चुकी है, Redmi Note 10S में एक बहुत ही छोटी सी अपडेट देखने को मिली थी 50-60 MB की, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिली है। तो ग्लोबल में Redmi Note 10S के लिए MIUI 13.0.2.0 की अपडेट देखने को मिल चुकी है, तो उम्मीद है ये अपडेट इंडिया में एंड ऑफ मई से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगी। बस थोड़ी ही देर बाकी है, आपको अपडेट बहुत ही जल्द मिलेगी इंडिया में फॉर Redmi Note 10S। तो यार थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपडेट आ रही है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10 की। तो नई अपडेट जो है सेकंड अपडेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, क्योंकि Redmi Note 10 में काफ़ी सारे बग्स जो है पाए गए हैं नई अपडेट में। तो ग्लोबल में नई अपडेट पुश की गई है MIUI 13.0.7.0 की, तो ये जो है वो 236 MB की अपडेट है कुछ बग्स फिक्सिस के साथ। तो होपफुली इंडिया में भी आपको एक नई अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, होपफुली एंड ऑफ मई या बिगनिंग ऑफ जून। तो ये इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर Redmi Note 10 की। तो अब बात करते हैं Redmi 10 Prime की। तो या MIUI 13.0.4.0 की सेकंड अपडेट जो है वो ग्लोबल में देखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 492 MB की। Redmi 10 Prime में इंडिया में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि जो ग्लोबल में अपडेट आई थी उसे सस्पेंडेड कर दिया गया था बग्स की वजह से। तो अब सेकंड अपडेट आई है, तो होपफुली ये अपडेट ठीक होगी और आपको ये अपडेट इंडिया में एंड ऑफ मई देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। वेट कीजिए, थोड़ा सा Redmi 10 Prime के लिए भी एक नई अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है MIUI 13 विद Android 12। तो नेक्स्ट अपडेट आपको मिलेगी पोको X3 Pro में। तो आपको मालूम है पोको X3 Pro को इंडिया में हाल ही में MIUI 13 की अपडेट मिली है, पर उसमें काफ़ी सारे बग्स पाए गए हैं। आपको मालूम है वो फर्स्ट अपडेट थी, तो सेकंड अपडेट में बग्स फिक्स होते हैं, तो आपको बहुत ही जल्द एक नई अपडेट देखने को मिलेगी। तो नई अपडेट ग्लोबल में देखी गई है MIUI 13.0.4.0 की विद 845 MB की, तो ये जो है ग्लोबल में आ गई है, अब इंडिया में भी थोड़े ही दिनों में आ सकती है। तो वेट कीजिए, होपफुली एंड ऑफ दिस मंथ आपको एक नई अपडेट पोको X3 Pro में भी इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो यार अब बात करते हैं यहाँ पर Mi 10i की। तो इंडिया में फाइनली MIUI 13.0.3.0 की अपडेट जो है वो इंडिया में रोल आउट कर दी गई है विद Android 12। तो अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिली है तो गाइज अभी जो है अपडेट अंडर टेस्टिंग है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये अपडेट विद इन फ्यू डेज आपको Mi 10i में फुल रोल आउट होता हुआ दिखेगा MIUI 13 विद Android 12। तो यार ये यहाँ पर ये सारी अपडेट्स थी, तो होपफुली आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो यह पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही।